कांग्रेस पर आकाश आनंद ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कि बाबा साहब के विचारों को दबाने का काम करती है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। बताने वाली बात यह है कि तकरीबन 24 साल के बाद में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने जो गांधी परिवार है उसको छोड़कर किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। ये दौड़ चल रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में शशि थरूर इनकी, इन दोनों के बीच एक चुनावी वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद में मल्लिकार्जुन इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इनको तकरीबन 9,000 से अधिक वोट मिले और उसके बाद में मल्लिकार्जुन यह कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। दिलचस्पी वाली बात यह है कि कांग्रेस गांधी परिवार के ही व्यक्ति को हर बार एक अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, लेकिन इस बार देखने वाली और दिलचस्पी की बात यह होगी कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मल्लिकार्जुन यह दलित समाज से आते हैं और दलित समाज के व्यक्ति को कांग्रेस ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो यह बहुत ही गंभीर बात है। इस बात के पीछे में हो सकता है काफी सारे तर्क जुड़े हो, काफी सारे आने वाले भविष्य की रणनीति हो, वो क्या क्या चीज होने वाली है इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही इस तमाम मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर तीखा निशाना तो साधा ही है, साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने बहन मायावती जी के ट्वीट को कोट करते हुए फिर से एक बार कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए आड़े हाथ लिया है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। झूठ फरेब की भी सीमा होती है, पर कांग्रेस तो हमेशा से ही दलितों के खिलाफ इस सीमा से आगे गई है। ये कांग्रेस का दोगलापन है कि एक तरफ वो बाबा साहब के अनुयायी बने फिरते हैं और वही बाबा साहब के मृत्यु के बाद उनके शरीर को मुंबई लाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इजाजत तक नहीं दी थी। जैसा कि आकाश आनंद इन्होंने अपने ट्वीट में साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस ये झूठ फरेब की सारी सीमाओं को पार कर चुकी है और साथ ही कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है कि देश के अंदर में जिसकी अगर हम बात करेंगे वो लोग हमारे तरफ में आकर्षित हो जाएंगे, चाहे फिर वो दलित हो चाहे वो मुस्लिम हो, तमाम उन लोगों को वो अपने तरफ में डाइवर्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए नए नए पैंतरे अपनाते रहते हैं। और एक तरफ कांग्रेस ये बड़े मजबूती के साथ में और बड़े हो हल्ले के साथ में कहती है कि हम बाबा साहब के अनुयायी है, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक इतिहास रहा है कि जब बाबा साहब का देहांत हो जाता है तो बाबा साहब की जो मृत्यु वो दिल्ली के अंदर में होती है, और बाबा साहब की मृत्यु दिल्ली के अंदर होने के बावजूद भी उस समय के अंदर में जो सत्ता में रहने वाली कांग्रेस है बाबा साहब को जो सही मायने में सम्मानजनक जो जगह जलाने के लिए देनी चाहिए थी, उनको जो प्रॉपर तरीके से सही मायने में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह भी कांग्रेस उस समय में नहीं उपलब्ध करा के देती। उसके बाद में बाबा साहब के शव को दिल्ली से छोड़कर मुंबई लाया जाता है बाय प्लेन। उसके बाद में मुंबई में भी बाबा साहब को उस समय की रही कांग्रेस की सरकार जगह नहीं देती। उसके बाद में बाबा साहब के शव को सार्वजनिक तौर पर जलाना होता है। तो कांग्रेस का यहाँ पर जो दोहरा चेहरा इतिहास के अंदर में रहा उसी बात को फिर से याद दिलाने का काम आकाश आनंद इन्होंने अपने ट्वीट से किया है। और इसी के साथ साथ बहन मायावती जी ने जो दो ट्वीट किए थे उसमें से एक ट्वीट के ऊपर में जो रीकोट आकाश आनंद इन्होंने किया वो चीज मैंने आपको अभी पहले बताई, और अभी मैं दूसरे जो ट्वीट बहन मायावती जी इन्होंने किया है इसके ऊपर मैं फिर से कोट करते हुए आकाश आनंद ने इन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। चुनाव के समय दलित उत्थान की बात करने वाली कांग्रेस सरकार बाबा साहब के विचारों को दबाने की हर कोशिश करती है, क्योंकि उनके लिए उनके विचारक ही आजाद भारत के सूत्रधार है। 75 साल से ये हमारे समाज के साथ भेदभाव करते आए हैं, लेकिन ये भेदभाव की राजनीति अब नहीं करेगी। जैसा कि अपने दूसरे ट्वीट में आकाश आनंद इन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव आते हैं कांग्रेस अपने पैतरे अपना षड्यंत्र समाज के अंदर में बोना शुरू कर देती है, और इसी के चलते उन्होंने क्या किया तो उन्होंने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है।
नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए, कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए उनका यह कहना है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे इनको चुनावी इस दौर के अंदर में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना एक सही मायने में एक षड्यंत्र को लेकर, एक नई रणनीति को लेकर कांग्रेस काम कर रही है, और उसी कारण बाबा साहब के ऊपर में जो होने वाला प्रेम है वो उछल उछल कर कांग्रेस के अंदर में नजर आ रहा है, और इसीलिए उन्होंने जानबूझ कर दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस का। और आने वाले समय के अंदर में इस देश के अंदर में तमाम वो लोग जो बाबा साहब को मानते हैं भावनिक तौर पर, वो तमाम लोग कांग्रेस अपनी बात करेगी बाबा साहब की, और तमाम लोग जो है बाबा साहब के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को जो बताने वाले कांग्रेस के लोग रहेंगे उनके तरफ में डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और यही मकसद है कांग्रेस का, यही मकसद है इस देश के अंदर में रहने वाले मुसलमानों को लेकर कांग्रेस का। तमाम उन तरीके की बात वो करती है, मुसलमानों के हितों की बात करती है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो न मुसलमानों का उद्धार इस देश के अंदर में कांग्रेस के 75 साल के जीवन में हुआ, न इस देश के अंदर में रहने वाले दलितों का हुआ। उनके घरों में जाकर, चाहे फिर मुसलमानों के हो या दलितों के हो, उनके घरों में जाकर उनके साथ में रहकर उनके साथ में बैठकर खाना खाने से इस देश के अंदर में विकास नहीं होगा, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, ये बात कांग्रेस को समझना चाहिए। साथ ही आकाश आनंद इन्होंने आगे चलकर ये कहा है कि बाबा साहब के विचारों को दबाने का काम लगातार कांग्रेस करती रहती है, लेकिन अगर बात करेंगे बाबा साहब को महिमा मंडित करने की तो कांग्रेस कतई इस बात से नहीं थकती, लेकिन जब बात आती है बाबा साहब के विचारों को समाज तक पहुंचाने की, जन जन तक पहुंचाने की, वहां पर कांग्रेस शून्य हो जाती है। बात करेंगे बाबा साहब का जो सच्चा चेहरा है उसको दिखाने के लिए बाबा साहब ने किताब भी लिखी साथियों, जिस किताब का नाम है कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स। गांधी और उनकी कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, यह किताब बाबा साहब ने लिखी और बताया कि इस देश के अंदर में कांग्रेस ने पल पल पर बाबा साहब को किस तरीके से दुख दिए, आखिर कांग्रेस के कारण बाबा साहब को क्यों खून के आंसू रोने पड़े। ये हालात, ये सारी चीजें बाबा साहब ने अपने किताब में लिख कर रखी, और इसी के साथ साथ तमाम इन चीजों का ब्यौरा लेते हुए, इन चीजों का संदर्भ लेते हुए आकाश आनंद इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 75 साल हो चुके हैं आजादी के, लेकिन कांग्रेस के अंदर में दलितों को लेकर और तमाम इस देश के अंदर रहने वाले बहुजन समाज को लेकर जो भेदभाव है, भेदभाव आज भी कम नहीं हुआ है, और वैसी राजनीति वो करना चाहती है, लेकिन इस देश के अंदर में बहुजन समाज ये सजग हो चुका है, ये जागृत हो चुका है, इस देश की जनता अब समझ चुकी है कि आखिर उनका हितेशी कौन है, उनका मित्र कौन है, उनका शत्रु कौन है, आखिर कौन उनकी विचारधारा को मंजिले मुकाम तक के पहुंचा सकता है, उनके साथ वो खड़ी रहेगी। और अभी इस देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय वाली ही राजनीति होगी, ऐसी बात आकाश आनंद इन्होंने अपने ट्वीट से कह के दिखाई है। इस पूरे मसले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, वो प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस देश के अंदर में कांग्रेस ने अपना दलित समाज से आने वाला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, इसको लेकर कांग्रेस की क्या नई रणनीति है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहन मायावती जी ने जो कांग्रेस को लेकर जो सीधा निशाना साधा है और उसी बात को रिकॉर्ड करते हुए आकाश आनंद इन्होंने कांग्रेस को जो आड़े हाथ लिया है, इस मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, वो भी आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।